एक दिन स्टूडियो में हुआ कुछ ऐसा, दीपक भैया से मैं निवेदन करूंगा कि भैया जरा पर्दों के बाहर आ जाएं। भैया पहले सुन चुके हैं ये वाला। एक दिन स्टूडियो में हुआ कुछ ऐसा कि खुल गए मेरे प्यार के गेट, आकाश भैया तुम्हें भाभी मिल गई और दीपक भैया बन गए जेठ। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा, चंद पंक्तियां हैं, आप सभी समझदार हैं, आप समझेंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। डरता हूँ ये सोच कर ना आवे ये मजबूरी वे। अच्छा, ये लिखी थी जब आप कुछ भी नया शुरू करें तो ये कहते हैं ना कि शुरुआत के वक्त अंजाम की फिक्र थोड़ा सता ही जाती है, और कोई बात अगर जहन में चल रही हो तो वो कलम के ज़रिए ज़ुबान पर आ ही जाती है। तो तब लिखा था ये कि डरता हूँ ये सोच कर ना आवे ये मजबूरी वे, कि चाहत दोनों को है पूरी पर रह जावे अधूरी वे। न जाने कैसे मिट पाएंगी जातों की ये दूरी वे, मैं ठहरा छोरा पंडित का वो राजपूत की छोरी वे। शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अच्छा, एक छोटी सी कहानी और है। मैं लिखा था किसी के लिए, मैंने सबसे पहले उन्हीं को सुनाया, तो अब उन्होंने कहा कि एक राजपूत हैं और मेरे मतलब काफ़ी इंस्पायर होता हूँ मैं उनको, उनके बारे में पढ़ पढ़ के। तो मैंने कहा अब तो ससुराल वाले हैं तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा है, आप सभी समझ जाएंगे, पहली चार पंक्तियों में ही समझ जाएंगे। वीर महानों में तू महान, निभाना धर्म ही तेरी शान। वीर महानों में तू महान, निभाना धर्म ही तेरी शान। चेतक भी तेरी एक पहचान, मेवाड़ी राजा तू महान। वीर महानों में तू महान, निवाना धर्म ही तेरी शान। चेतक भी तेरी एक पहचान, मेवाड़ी राजा तू महान। भाला तेरा ऐसा था जो आवे नीचे दब जावे, तेरे क्रोध के मारे तो अकबर तक तुझसे डर जावे। भाला तेरा ऐसा था जो आवे नीचे दब जावे, तेरे क्रोध के मारे तो अकबर तक तुझसे डर जावे। हुआ ना जग में दूजा ऐसा, घोड़ा तक था काट दिया, बहलोल खान अश्व साथ ही दो हिस्सों में बांट दिया। शुक्रिया भैया। बहलोल खान अश्व साथ ही दो हिस्सों में बांट दिया, सज्जन था ऐसा कि नारी दुश्मन की भी लौटा दी। ताकत क्या है हिंदू की ये दुनिया को थी बतला दी, सर उठा के जीना कैसे आपने हमको शिक्षा दी। मेरी ओर क्या देखो तुम, नाम भी उनका बोलूं क्या, समझ तो सारे गए हो कि महाराणा प्रताप है नाम उनका। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद पंक्तियां और हैं। अभी हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ था कि हमारे मोहल्ले में लाइट चली गई रात में 2:30 बजे, कुछ ख्याल आए तो वो मैं लिख लिए हैं। नहीं, हमारे यहाँ भैया हम रूम पे रहते हैं अकेले, वहाँ लाइट चली गई, इन्वर्टर है नहीं, तो कुछ पंक्तियां हैं। क्या खबर थी रात की, क्या दिखाना बाकी था। क्या खबर थी रात की, क्या दिखाना बाकी था, सफ़र बचा था रात का वो याद आना बाकी था। शुक्रिया। सुनिएगा अब के, क्या खबर थी रात की, क्या दिखाना बाकी था, सफ़र बचा था रात का वो याद आना बाकी था। मैं सोता भी तो कहते मैं सोचा, सॉरी, आकाश भैया का चेहरा दिख रहा है ना तो थोड़ी टंग स्लिप हो रही है, डरा दिया भैया इन्होंने मुझे। क्या खबर थी रात की, क्या दिखाना बाकी था, सफ़र बचा था रात का वो याद आना बाकी था। मैं सोता भी तो कैसे यार, साथ मेरे साकी था, उजाला बुझ चुका था गम बुझाना दिल का बाकी था। शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताता हूँ, देखो, हसरतों का जहाँ है कुछ ख्वाहिश अभी बाकी हैं। हसरतों का जहाँ है कुछ ख्वाहिश अभी बाकी हैं, पियेंगे हम प्रेम का प्याला बन कान्हा आए साकी हैं। शुक्रिया, शुक्रिया भैया। अब सुनिएगा, ये कुछ पंक्तियाँ हैं, ये ऐसे ही मैंने एक दिन लिख ली हैं। अब दिक्कत की बात यह है, ये मुझे याद नहीं हो पा रही हैं, तो पढ़ के मतलब देख के पढ़ रहा हूँ। प्यार मिले तो रब मिला, जो ना मिले तो क्या मिला। जो मिल जाए तो सब मिला, जो ना मिले तो क्या गिला। गिला यही कि वो मिला, गिला यही वो ना मिला। रहा ना मुझको अब गिला, मिला है जब से तू मिला। मिला है इश्क से मिला, मिला मुझे खुदा मिला।
इतना ही था बस। अच्छा, अब चंद पंक्तियाँ और हैं, लिखी थी काफ़ी पहले ये मैंने अभी, पर पढ़ी नहीं है कभी, तो आज पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ नया भी लिखा है, अभी हफ्ते भर पहले लिखा है नया वाला। नया वाला जब पढ़ूंगा तो बता दूंगा, नया है, पहले पुराना पढ़ रहा हूँ। पुराना है कि क्या बताऊँ हुआ क्या सनम तुम चले जब मुझे छोड़कर, क्या सुनाऊँ हुआ क्या सनम तुम चले जब मुझे छोड़कर, लागा सांसें बची ना मुझ में अब सनम तुम चले जब मुझे छोड़कर। वो मुझे ना मिला जिसको मैं मांगता था, खुदा तू मेरा तुझसे क्या मांगता। अब सुनना, पूछ रहा हूँ क्या बताऊँ क्या सुनाऊँ, अब सुनना के। वो मुझे ना मिला जिसको मैं मांगता था, खुदा तू मेरा तुझसे क्या मांगता, साथ तेरा मिला ना मुझे जीते जी, काश आकर मुझे तू कफन बांधता। हुआ यूं मरे हम सनम जीते जी, हुआ यूं मरे हम सनम जीते जी, सनम तुम चले जब मुझे छोड़कर। शुक्रिया भैया, शुक्रिया भैया। मिली वो मुझे जिसको तू ना जानती, है एक अब जो मुझे अपना मानती, मरे हुए में भी है वो जान डालती, हाँ वो मुझ पे है अपनी जान वारती, हाँ वो है मुझ पे अपनी जान वारती। जुल्फों को अपनी ऐसे है सवारती, जैसे मानो हो रही हो प्यार की आरती। मैं मर चुका था यार तेरे जाने भर से, मैं मर चुका था यार तेरे जाने भर से, मैं जी रहा हूँ यार उसके आने भर से। मिल जाए इजाज़त हमको, अब बोल रहा हूँ जो एक हफ्ते पहले लिखा है उसके लिए है ये, कि मिल जाए इजाज़त हमको उसके घर से, मिल चुकी इजाज़त हमको मेरे घर से। शुक्रिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या भैया, चलिए कुछ एक शेर और है। कंगन का थोड़ा जिक्र हो जाता है तो एक तो पसंदीदा पंक्तियां हैं किसी की, तो वो पढ़ रहा हूँ। उसके कंगन की खन खन, भैया अब किसी नहीं, वो कंगन वाली फेवरेट लाइन है। उसके कंगन की खन खन के शोर में खोए, उसकी शादी के दिन हम अकेले रोए। अच्छा, अब चंद पंक्तियां हैं ये, मैंने आज सवेरे लिखी हैं। ऐसा हुआ था कंगन का जिक्र बेहद चल रहा था तो हम किसी के लिए ले आए। कंगन कंगन करते करते कंगन उसको लाया मैं, देख लेता हूँ याद नहीं है। कंगन कंगन करते करते कंगन उसको लाया मैं, थी उसकी चाहत मेरे लिए तब उसको मिल पाया मैं। इतना ही था। अच्छा, मैं कृष्ण दीवाना हूँ, ये शेर है, थोड़ा गहरा है, बहुत लोगों तक पहुँचेगा, आकाश भैया तक तो बहुत जल्दी पहुँचेगा। बस दो शेर हैं मेरे, फिर मैं अपनी जगह ले लूँगा। कि मैं कृष्ण दीवाना हूँ, वो कृष्ण दीवानी है, मैं कृष्ण दीवाना हूँ, वो कृष्ण दीवानी है, श्री कृष्ण के हाथों में अब हमारी प्रेम कहानी है। शुक्रिया। एक और बार, मैं कृष्ण दीवाना हूँ, वो कृष्ण दीवानी है, मैं कृष्ण दीवाना हूँ, वो कृष्ण दीवानी है, श्री कृष्ण के हाथों में अब हमारी प्रेम कहानी है। अच्छा, एक और आखिरी शेर है, भैया ने बता दिया समय सीमा का ध्यान रखना है, तो आखिरी शेर है, किसी का पसंदीदा है। बहके बहके लम्हों में कुछ बहकी बहकी रातें हैं। आकाश भैया, ये शेर ने मेरी बहुत मदद करी है। बहके बहके लम्हों में कुछ बहकी बहकी रातें हैं, उन बहकी बहकी रातों में कुछ बहकी बहकी यादें हैं, उन यादों में जो शाम ना हो वो शाम ही फिर बेकार मेरी, हर शाम जिसे मैं याद करूं वो है राधा मैया जान मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया।